साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। दिशा सालियान केस में 3.5 साल बाद मुंबई पुलिस की SIT जांच कर रही है और इस बार सब कुछ बाहर आने की उम्मीद की जा रही है क्योंकि इस बार बड़ी जांच हो रही है। और सबसे बड़ी बात, BJP के लोगों की बार बार डिमांड के बाद इस बार फाइनली रडार पर आदित्य ठाकरे भी हैं, जबकि तब 2020 में खुद आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के मंत्री थे। अब दिशा सालियान मामले में पहली बड़ी खबर ये है कि पहला समन जारी कर दिया गया है। जी हां, बड़ी खबर मुंबई के सूत्रों के हवाले से आ रही है कि दिशा के तब के मंगेतर और बॉयफ्रेंड रोहन रॉय को बुलाने की खबर है। हालांकि जिसके बाद खलबली मच गई है क्योंकि रोहन रॉय उस रात के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो क्या रोहन रॉय ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया, क्या उस रात की पूरी कहानी बता दी, क्या है आदित्य ठाकरे का मामला, सब कुछ आपको बताएंगे, दिखाएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो दिशा सालियान मामले में सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर यही है कि जांच कर रही है SIT ने पूछताछ के लिए पहला नाम ले ही लिया है और वो पहला नाम है दिशा के तब के मंगेतर रोहन राय का। जी हां, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं कि रोहन राय को पूछताछ के लिए बुलाया गया ताकि उस रात का पूरा सच पता लगाया जा सके, उस रात की कहानी जानी जा सके। अब खबरें थी कि 8 जून 2020 की उस रात को घर के अंदर, जी हां, फ्लैट में, मलाड वाले फ्लैट में अंदर पार्टी हो रही थी और उसी पार्टी के दौरान ही दिशा को खत्म कर दिया गया। तो दिशा सालियान के मंगेतर रोहन राय भी उसी पार्टी में मौजूद थे और उस पार्टी की पूरी कहानी भी पूछी जाएगी। BJP के कई लोगों ने दावा यहां तक किया था कि वहां पर आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे, हालांकि हम ऐसा दावा नहीं करते और ऐसा कोई सबूत या फिर कोई गवाह भी अब तक सामने नहीं आया और खुद आदित्य ठाकरे भी इस बात को खारिज करते रहे हैं। लेकिन बार बार BJP के विधायक आदित्य ठाकरे के वहां होने की बात कहते रहे, लिहाजा इस बार सवाल आदित्य ठाकरे को लेकर भी होगा और क्या वो वहां पर थे, अगर थे तो क्या कर रहे थे, क्योंकि एक तरह से ये पूरी की पूरी SIT आदित्य ठाकरे के इर्द गिर्द ही बुनी गई है, चुनी गई है। आगे देखिए, दिशा सालियान के मामले में पहला आरोप रोहन राय पर ही लगा था और उसके बाद ही आरोप आदित्य ठाकरे पर लगे थे और यही रोहन राय कई सालों तक अंडरग्राउंड भी रहा था। रोहन राय ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि बिना किसी गलती के उन्हें परेशान किया गया और इसीलिए वो लंबे समय तक बाहर नहीं निकले थे, अंडरग्राउंड रहे थे, जबकि इसी साल अप्रैल में रोहन राय ने शादी भी कर ली है। अब दिशा सालियान वाली रात को लेकर भी रोहन राय ने खुलासे किए थे और जो रोहन राय ने बताया था वो कहानी आज आप भी जान लीजिए। रोहन राय के मुताबिक दिशा सालियान और वो खुद उसके अलावा 4 और 2 मलाड वाले फ्लैट में मौजूद थे और वहां पर पार्टी चल रही थी। रोहन के मुताबिक दिशा ने अपने एक लंदन वाले दोस्त को फोन किया था और उससे बातें हो रही थी और उसी से बात करते करते दिशा की कंडीशन खराब होने लगी और रोहन रॉय के मुताबिक तुरंत ही रोहन ने फोन लिया और उस दोस्त से बात की और साथ ही साथ दिशा वहीं पर मास्टर बेडरूम के अंदर चली गई, अपना रूम लॉक कर दिया। अब ये दावा रोहन राय ने किया। आगे देखिए, रोहन राय के ही मुताबिक कुछ देर तक रूम नहीं खुला तो हमने रूम का ताला तोड़ा, वहां पर दिशा सालियान नहीं थी और हमें लगा कि हो सकता है कि वो चेंज कर रही हो, लेकिन फिर हमने बालकनी देखी तो वहां पर अंधेर हो चुका था। यानी कि रोहन राय के मुताबिक दिशा सालियान कूद चुकी थी और एक तरह से इस पूरे मामले को दिशा पर ही डाल दिया गया था। अब ये कहानी रोहन राय की है, यानी कि ये कहानी एक तरफा भी हो सकती है क्योंकि ये कहानी में कई ट्विस्ट एंड टर्न भी हो सकते हैं और उसी की जांच के लिए ये SIT बनाई गई है। क्योंकि अगर रोहन राय की कहानी पर ही भरोसा कर लिया जाता, रोहन राय की कहानी को सच मान लिया जाता तो SIT बनती ही नहीं, और इसीलिए जबकि इसमें ट्विस्ट है, टर्न्स है और कई सवाल है, कई शक है, इसीलिए यहां पर SIT बनाई गई है। लिहाजा पहला बयान रोहन राय का ही होगा और ये भी पता लगाया जाएगा कि रोहन राय कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ। यही नहीं, रोहन राय से ही आदित्य ठाकरे की प्रेजेंस को लेकर भी सवाल पूछा जाएगा क्योंकि आदित्य ठाकरे वहां पर मौजूद थे, इसके आरोप लगातार लगते रहे। और यही नहीं, दिशा सालियान और उनके मोबाइल टावर लोकेशन भी एक साथ होने की बात कही जाती रही है, उस बिल्डिंग के नीचे भी उनके होने की बात कही जाती रही है, ये आरोप लगाए जाते रहे, दावे किए जाते रहे और इसको लेकर भी सवाल रोहन राय से किए जाएंगे। यानी कि रोहन राय इस पूरे मामले में सबसे बड़ी कड़ी है यहां पर और रोहन राय का बयान बहुत ज्यादा मायने रखता है, रोहन राय के बयान पर ही एक तरह से बहुत कुछ यहां पर डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर उसी रोहन राय को यहाँ पर बुलाने की खबर है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा क्योंकि रोहन रॉय ही इस पूरे मामले में सब कुछ जानता है और वही बताएगा, तो उसी के बाद सारे के सारे खुलासे होंगे। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई में रोहन राय की कहानी में सच है, क्या दिशा ने खुद ही ये सब कुछ किया या फिर उस रात कुछ न कुछ गड़बड़ तो हुई थी, कुछ न कुछ दिशा के साथ गलत तो हुआ था, आप क्या मानते हैं, उस रात क्या अंधेर हुआ या नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।